उसे बैठना अलाउड नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मजा जो आ रहा है वो है यहाँ पे एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। ये लड़की ने मेरे को बुलाया कि फ्री पासे से आ जा, हमारा फोटोज हो गया। ये बैल बैठने जा रही थी इसके ऊपर, तो बोली कि बैल लोगों को बैठना अलाउड नहीं। भाई एक घंटा लेट आ दिया, ऐसा आना चाहिए क्या बताओ? बराबर है ना, करना चाहिए ना परेशान और करोगे तो। एक घंटा लेट आई है। मेरे जीवन की पहली ऐसी लड़की है। थ्री टू वन आ जाओ आ जाओ। हाय मैं हूँ सुधीर सिंह ऑफिशियल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है व्लॉग नंबर 25 ऑफ 100 डेज व्लॉगिंग चैलेंज। भाई देखते ही देखते 25 व्लॉग पूरे होने वाले हैं, क्या बात है। तो अगर आप मुझे देखकर अभी ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कहीं जाने वाला हूँ अभी बाहर, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अभी आधे घंटे पहले मेरी एक फ्रेंड जो कि मेरी कॉलेज फ्रेंड है बहुत पुरानी, तो उसका फ़ोन आया और वो मुझे बोली कि चलो मिलते हैं। और उसकी एक और दोस्त है, वो भी मेरे कॉलेज में ही थी, लेकिन हमारी बातचीत आज 6-7 सालों से नहीं हुई है। तो उसने बोला कि उसके पास एक जगह है RCT मॉल, उसके अंदर स्नो वर्ल्ड है, जो बर्फ़ वाली जगह होती है ना वैसी, तो उसके पास वहाँ के फ्री पासेस है, तो तू चलेगा? मैंने बोला पहली फुर्सत में मैं आ रहा हूँ, अब फुकट वाली चीज़ है तो क्यों नहीं आऊँगा, पैसे मेरे जा नहीं रहे हैं, फुकट में इंजॉय करना है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो बस मैं रेडी हूँ और वो लोग मुझे अभी मिलेंगे स्टेशन पे, फिर हम साथ में जाएंगे और आज के ब्लॉग में मज़ा आने वाला है। मम्मी मैं जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा, ठीक है? शाम को कितने बजे मतलब पता नहीं अभी कितने बजे जा रहा हूँ घूमने। ये लड़कियां ना कभी सुधरेंगी नहीं, पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, अभी तक आई नहीं है। यही वो लड़की है जिसको मैं परेशान कर रही हूँ। भाई एक घंटा लेट आ दिया, ऐसा आना चाहिए क्या बताओ? बराबर है ना, करना चाहिए ना परेशान और करोगे तो। इधर आ देखो, फाइन मारते पहले, इधर आ। एक घंटा लेट आई है। तू तुझे जल्दी जा रहा है, तुझे जाके झाड़ पोछा करना है। सबको पता है लाइव टेलीकास्ट करने वाले हैं अभी, रिकॉर्ड किया है। हाय सोना। हाय। मुझे पहचानती है? हाँ ना। चल। तो आज मैं पहली बार मुंबई में रह के मेट्रो से आया हूँ घाटकोपर में। अभी तो आप लोगों को एक चीज बतानी है, थोड़ा साइलेंस बने दो फिर मैं बताता हूँ आपको। ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस एक्चुअली हुआ यू है, ये लड़की ने मेरे को बुलाया कि फ्री पासे से आ जा, और जिसके पास फ्री पास है वो लड़की है वहाँ पे। और बाद में जब ये मिली ना मुझे, तो मुझे कहती है कि इन लोग ने मुझे बोला कि पासेस भूल गए हैं, मेरे को बोलती है तू मॉल में यहाँ कुछ खाना पीना और हम दोनों जाएंगे। तो मैं बोला मैं आया हूँ फुकट में, तो मैं फुकट में जाऊँगा, तुम लोगों को बैठना। बट एट द इसको मैंने बोला कि गलती इसकी है, इसने बताया नहीं है, तो ये रुकेगी और हम दोनों जाएंगे। इसको छोड़ के जाने वाले थे, अब ये चेंज हो गई। लेकिन एट द एंड ऐसा हुआ कि मैंने इसका बैग चेक किया, तो इसके पास है तीन पासेस। लड़कियों का बैग चेक करता है? हाँ करूंगा ऐसे। भाई इतनी, मैं बोला इतनी बैल कैसे हो सकती है, मतलब अपनी फ्रेंड को बता भी नहीं रही कि मैं आ रहा हूँ, मुझे बुला ली और बता भी नहीं रही कि उसको मैं आ रहा हूँ। अब वो तो दो ही पास लेके आएगी ना। सब बताती थी नहीं है, मुझे पता है कि पूरी तरीके से बैल है, ये ऐसा कर सकती है। पहले तू गधागिरी करता है, ये तेरी हरकतें, तुझे लगा कि तेरी हरकतें मैं भी कर सकती हूं। चल ऊपर चल, खा के आते कुछ। सुन तेरे साथ एक मूवी बनाऊंगा, उस मूवी का नाम क्या होगा पता है? नहीं मुझे नहीं जाना। गई भैंस पानी में, बहुत पुराना जोक है लेकिन तेरे ऊपर सूट हो रहा है। वो तेरे पे ज्यादा सूट है क्योंकि 6-7 साल तो हो ही गए हमें मिले। ये है सोना राम अन्ना, क्या नाम है? रामनचा रे, रामनचा तो हमने चूज किया है ये वाला स्लॉट, इतने बजे हम जाएंगे। तो अभी हमारे पास आधा घंटा बचा हुआ है और मुझे लग गई है भूख, तो पहले हम कुछ खाएंगे। मैं हमेशा खाता पर जाता था, वो नहीं समझ में आ अंदर। और मैं नहीं खा के देखो। तू तो गई बैल पानी में, तू गया भैंस पानी में, गया सांड पानी में। काश मैं सांड हो जाऊँ तो मैं तो बहुत खुश हूँ। सबको ऐसी लड़की भगवान दे, लड़की बता ऐसी दोस्त दे जैसे भर भर के खाना खिलाए। मेरे जीवन की पहली ऐसी लड़की है। बोल बर्थडे ट्रिप है। हां बर्थडे। अब हम रोज मिलेंगे यार। रोज बर्थडे नहीं होता। लेट्स गो इन अ स्नो किंगडम। चलो अब देखते हैं कि अंदर का एक्सपीरियंस क्या होता है। हम जा रहे पहली बार, लेकिन जाना कहां है? अच्छा ये सेकंड गेट है। कोई ना खोलेगा। हां ऑब्वियसली होंगे ना, देखो नहीं खोलेगा।
हम ऑलरेडी लेट है, ज्यादा टाइम पास मत कर, चल। यहाँ पे सबसे ज्यादा मजा जो आ रहा है वो है यहाँ पे एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। अभी स्टार्ट क्या हो, इतनी ठंड लग रही है, आगे का पता नहीं है। स्टार्ट कुछ नहीं, ये ठंडा ही रहेगा, ये -8 डिग्री है, -8 डिग्री। ठंड तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, -8 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे, -8 डिग्री सेल्सियस, और हम अभी यहाँ हैं। ए कैंडल। तो इस गुफे में हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों। चलो यहाँ पे मैं कुछ बोल सकता हूँ अभी चलो मैं बोले उनको बोलने दो। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे अंदर आए, यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, और इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, इतनी ज्यादा ठंड। मैं मनाली गया हूँ, केदारनाथ गया हूँ, बहुत ठंडी ठंडी जगह गया हूँ, बट इतनी ठंडी कहीं पे भी नहीं है। अभी पिछवाड़े में ठंडा हो गया। और अभी हम लोग ये गुफा दिखा था, गुफे में आए हैं, देखो ये गुफा अभी हमें यहाँ से बाहर। तो अभी यहाँ पे थोड़ा गर्म गर्म लग रहा है, लेकिन नीचे से ठंडा हो गया है। और आज के लिए इतना काफी। यस यस, टाइम ओवर, चलो चलो, टाइम खत्म। पी रही है, बोले नहीं हो रहा है। नाक से पानी आ रहा है, मुंह से पानी आ रहा है, कहां कहां से पानी आ रहा है दोस्तों। हाथ ना हाथ, मेरे हाथ की हालत देखो। शिट, अभी बाहर जाके बहुत अच्छा लग गया। तो अंदर ही भैया ने मेरी फोटो खींची थी। भैया तेरे साथ में नहीं थे। तो अभी हमारा आज का एंजॉयमेंट हो गया, अब हमें जाना है घर। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है, इस वक्त जाने में इतनी परेशानी होने वाली है ना, बहुत ज़्यादा रश मिलने वाला है। इस गरीब ने जहाँ जाती है कुछ ना कुछ मांगती रहती है, बेचारे वो लोग भी बोलते कुछ तो दे दो तुमने। तो मैं पहुंच गया हूं घर पे, और आप? तो आज का दिन तो बहुत ही मजेदार था, लेकिन मैं थक भी गया हूं, तो इसलिए ये व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप सो आपको देखने में मजा आया हो। चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।